महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा ने उम्मीद से भी बढ़कर प्रदर्शन किया है। भाजपा मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में जहां दूसरे नंबर पर रहते हुए शिवसेना के करीब पहुंची, वहीं प्रदेश के बाकी के निकायों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीएमसी की 227 सीटों के नतीजों में शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 31, एमएनएस 7, एनसीपी 9 और अन्य ने 14 सीटों पर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए जनता का आभार जताया है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा कि हम मजबूत और एकीकृत भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर काम कर रहे हैं। वहीं इन चुनावों में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस को लगा है। नतीजों के बाद कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत की लहर ओडिशा में भी साफ देखने को मिली। पांचवें और आखिरी चरण का मतदान जो कि मंगलवार को पूरा हुआ, उसमें भाजपा को 8 जिला परिषदों में बहुमत मिला। वहीं कुल 30 में से 16 जिला परिषद पर बीजू जनता दल यानी बीजेडी को जीत मिली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर अपने पोस्ट में कई मौजूदा मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब पूरे देश की पार्टी बन गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस विमुद्रीकरण के विरोध और भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगत रही है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की और हकीकत को स्वीकार करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 61% मतदान हुआ। इस चरण में 12 जिलों की 53 विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले गए। निर्वाचन उपायुक्त विजय देव ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि चौथे चरण में 13,49,00,000 रुपए नकद और 3,26,000 लीटर शराब बरामद की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण का चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। बहराइच और बस्ती में दो रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूरे यूपी में परिवर्तन की लहर चल रही है। यूपी विधानसभा के पांचवें चरण के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में जनसभा की। कई और बड़े नेताओं अमित शाह, राज बब्बर, अनुप्रिया पटेल और राजनाथ सिंह ने भी सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आदियोगी भगवान शिव के 112 फीट ऊंचे चेहरे का अनावरण करेंगे। आदियोगी यानी योग के प्रणेता और योग के पहले गुरु भगवान शिव के योगदान को सम्मान देने के मकसद से धरती के इस सबसे विशाल चेहरे की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति हामिद अंसारी रवांडा और युगांडा की 5 दिन की यात्रा समाप्त कर स्वदेश लौटे। उपराष्ट्रपति कल जीजा गए और नील नदी के स्रोत पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में कल पत्रकारों और छात्रों के साथ निरंकुश ढंग से निपटने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने कहा कि अपराध शाखा घटना की जांच कर रही है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी दिल्ली के इस विश्वविद्यालय से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में कल एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हरदोई डिपो की रोडवेज बस ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी। पिकअप के लिए जा रही कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। दक्षिण कश्मीर के एक गांव में कल एक आतंकवादी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। हमले में एक महिला की भी मौत हो गई। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के इस हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर और 3 जवान घायल हुए हैं। घायल मेजर की हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान के लाहौर में डिफेंस इलाके के एक रेस्टोरेंट में धमाका हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत और 30 लोग घायल हो गए। ये रेस्टोरेंट लाहौर में रक्षा आवासीय प्राधिकरण में स्थित है। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। इस जगह काफी सरकारी और निजी कार्यालय हैं। पुणे में भारत के साथ 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 9 विकेट पर 256 रन बना लिए थे। मिशेल स्टॉक 57 और जोश हेजलवुड 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से अब तक उमेश यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए हैं। आज देशभर में महाशिवरात्रि का त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति के रूप में जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन भक्तजन शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं।